खबर बाबई से। आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है विस्थापन गांव खामदा के आदिवासी ग्रामीण। 3 साल से ऊपर हो गए मगर इन आदिवासी ग्रामीणों को खेती की जमीन आज तक नहीं मिल पाई। बागड़ा तवा के जंगलों में खामदा गांव को विस्थापन किए हुए 3 साल से ऊपर हो गए मगर इन आदिवासी ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। गाँव में सिर्फ कहने को हैंडपम्प मात्र है, सड़क भी नहीं बनी, ना ही इन ग्रामीणों को रोजगार मिल पाया। गाँव में न तो स्कूल है, ना किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा। खेती करने के लिए भी इनको जमीन अभी आवंटित नहीं हुई। बरसात के दिनों में इन आदिवासी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अत्यधिक परेशान होना पड़ता है। गांव के ब्रजलाल मस्कोले राधे श्याम ने बताया, ओके हमारा गांव 2018 में यहां स्थापित किया गया था। हम लोगों द्वारा शासन प्रशासन को आवेदन दे देकर थक चुके, लेकिन इन आदिवासियों को खेती की जमीन आवंटित क्यों नहीं की जा रही? शासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कारण है विभाग द्वारा भी इस गाँव की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा? अब बरसात का मौसम आने को है, इन ग्रामीणों पर आफत के बादल मंडराने लगे हैं। आदिवासी ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से उन्हें मूलभूत सुविधा और खेती योग्य जमीन शीघ्र आवंटित करने की मांग की है। मेरा नाम ब्रजलाल मस्कोले है सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये नया खामदा स्थापित गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप अभी आपके गांव में क्या क्या सुविधा है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है सर, सिर्फ दो हैंडपम्प का सुविधा है। अच्छा, पानी पीने के लिए बड़ी मुश्किल से हुई है वो भी। तो अभी आप 2018 से यहाँ पर आकर बसे हैं, जब से लगा कर अभी तक कोई सुविधा मिली? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। अब तक हमारे खेत बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, जो तैयार हुई नहीं है। हमारे तो पूरे भुखमरी का समय चल रहा है। तो अभी बरसात के दिनों में आपका परिवार और गांव में लोग कैसे गुजारा करते हैं ब्रजलाल? यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है सर, इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पर, वहाँ रोड तक निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोग को। अच्छा, आप जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बताते हैं ये समस्याएं? वे लोग को पूरा समस्या के बारे में जानकारी पूरा है, लेकिन वो लोग इस कार्य के लिए आगे बढ़कर और पूरी रीति नियम से कर नहीं रहे हैं। जो हमारा मांगे हैं वो सर्वमान्य हैं और वो लिखित के साथ है, लेकिन उनको कुछ गुमराह करने की कोशिश के कारण वो काम में लेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपके गांव में जमीन आपको मिलना था, वो जमीन आपको खेती करने के लिए मिली क्या? नहीं सर, वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग पहले से ही इस चीज को पसंद करके पुराने गांव से निकले हुए हैं और वही देने का उनका वादा है। और अब इस जंगल में काफी विवाद हो रहा है और समस्या वापस लौटने तक के संभावना हो रहा है हमको। आप देख रहे थे ब्रजलाल भाई खामदा ने बताया कि आज इनको नीति रीति नियम से जमीन मिलना था, विभाग इनको नियम से दे नहीं पा रहा है। आज स्थिति क्यों बन रही है? आदरणीय FD महोदय से निवेदन है कि वह खामदा गांव के निवासियों की जो समस्याएं सामने आ रही है उनका निदान किया जाए, साथ ही बरसात के दिनों में इन ग्रामीणों को जो समस्या हो रही है उन समस्याओं पर विचार किया जाए। ऐसी मेरी अपेक्षा है, इनके मांगों पर विचार किया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए बाबई होशंगाबाद से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।